हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये खिचड़ी देख रहे हैं, आज हम यही खिचड़ी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम काटेंगे प्याज, उसके बाद लेंगे हम मटर, मटर को अच्छे से छील लेंगे, फिर लेंगे हम आलू। आलू को हम काफ़ी एकदम छोटे छोटे स्लाइसेस में काटेंगे एंड देन वो जितने भी हो जाएंगे। फिर हम काटेंगे गाजर, गाजर के हम फिर छोटे छोटे स्लाइसेस करेंगे। और सब कटने के बाद हम जलाएंगे गैस, गैस जलाने के बाद हम रखेंगे कुकर और कुकर में डालेंगे तेल। तेल में हम डालने वाले हैं जीरा, जीरा को फ्राई करने के बाद हम डालेंगे प्याज, और प्याज को हम जब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि वो लाल ना हो जाए। फिर हम डालेंगे इसमें गाजर, गाजर को थोड़ी देर चलाएंगे उसमें और फ्राई करेंगे एंड देन फिर डालेंगे मटर। उसके बाद डालेंगे हम आलू एंड देन इसको मिक्स इट करेंगे हम। फिर हम डालेंगे मसाला, जो कि पहला है हल्दी, फिर धनिया, फिर गरम मसाला, और आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और इसको फिर ग्राइंड करेंगे, अच्छे से घुमाएंगे। फिर हम लेंगे चावल, चावल को धो लीजिए और उसके बाद अपने हिसाब से चावल ले लीजिए और फिर डाल दीजिए। फिर हम इन चावलों को भी इसी में घुमाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से मिर्ची खाना चाहते हैं एकदम तीखा, तो आप हरी मिर्च काट के इसमें डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे पानी, तो दोस्तों इसमें 2.5 कटोरी चावल है तो इसके लिए हम 5 कटोरी पानी डालेंगे। इसको अच्छे से घुमा लीजिएगा ताकि देख लीजिएगा कि अंदर चावल ना लगे, और इसके बाद हम बंद करेंगे इसका ढक्कन और फिर लगेगी 1 सीटी 2 सीटी। इसके बाद हम काटेंगे धनिया, हरी धनिया, और हम खोलने वाले हैं कुकर। तो अब देखिए हमारी खिचड़ी, लजीज खिचड़ी बन के तैयार हो गई है। इसके ऊपर से हम डालने वाले हैं धनिया और फिर हम इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। और ये रही हमारी तैयार एकदम लजीज यम यम खिचड़ी। वो भी तैयार गरमा गरम खिचड़ी। तो दोस्तों ऐसे ही आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से अपने घर में एक पौष्टिक खिचड़ी, जो कि आपको खाने में एकदम अपने घर की याद दिला देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।